यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. त्याचं कारण म्हणजे नवीन फलंदाज जाफैज हा डावखुरा फलंदाज आहे. पंकज षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस बॅट चिकाडा घेऊन चेंडू गेलाय. गॅप मधून ट्रॅव्हल होतोय. निश्चितच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. गणेश चेंडू मागे होता, चेंडू अडवला गेला. त्या दरम्यान 3 धावा पळून काढल्या. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती आपण पाहिली. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 9 आहे. मात्र इफ्तिकार 9 धावसंख्या असताना एक गडी बाद झाला एस बी स्पोर्ट या संघाचा. तर एकंदरीत शिवांश इलेव्हन या संघाची सुरुवात चांगली दिसते या ठिकाणी. बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है इस वक्त एस बी स्पोर्ट्स की. आने वाली 25-26 तारीख को आप देखना ना भूलें इसी ग्राउंड पर एस बी ट्रॉफी, जो टीमें उसमें भाग ले रही हैं. आज फॉर्म समिट की आखिरी डेट है, तो सभी टीमें अपने फॉर्म को सबमिट कर दें. इसके बाद की दोनों टीमों के कैप्टन, महंती स्पोर्ट्स के कैप्टन और जेडी के कैप्टन, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. निश्चितच जाता. मात्र दुसरं षटक नवीन गोलंदाज गणेश येतोय. पाहूया गणेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. हा गोलंदाज देखील एक चांगला गोलंदाज मानला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपण वारंवार पाहिली आहे. मात्र या सामन्यामध्ये पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल हा गोलंदाज. समोर आहे फैज. यावेळेस बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला होता. निश्चितच बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क झाला नव्हता. कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. मात्र या चेंडूवर एक धाव नक्कीच मिळाली. एका धाव्याने स्ट्राईक रोटेट केली गेली त्या ठिकाणी फैज ह्याच्या बॅटमधून. आपण पाहतोय वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केलं जात आहे. त्याचं कारण म्हणजे डावखुरा फलंदाज एक खेळपट्टीवर आहे. यावेळेस मात्र स्टेप आउट झाला होता फलंदाज. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क नव्हता. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. एक वेगवान गोलंदाज वेगवान गोलंदाजी करतोय. आपल्या वेगाने भेट केला होता फलंदाजाला. चेंडू मात्र निर्धाव गेला होता. एक चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. धावसंख्या मात्र स्थिर आहे 10. यावेळेस मात्र चेंडूवर प्रहार झालाय. चेंडू हवे झेल खाली अक्षय भोईर झेल टिपतोय आणि अशा प्रकारे दुसरा गडी बाद होतोय एस पी स्पोर्ट या संघाचा. बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था, लेकिन संदेश वखारे गैप नहीं ढूंढ पाए थे. खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे जहां पर स्ट्रोक को मुकम्मल किया था और कोई गलती नहीं की वहां पर खिलाड़ी ने, और खूबसूरत कैच, आउट हो गए बैट्समैन. निश्चित लॉन्ग ऑफ सीमारेषा पार करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्या प्रयत्नात आपण पाहिलं की अयशस्वी. बॅट आणि बॉलमध्ये तेवढा संपर्क चांगला नव्हता. तेवढी ताकद झुकता आली नव्हती फलंदाजाला या फटक्यामागे. परिणामस्वरूप चेंडू काही सीमारेषा पार होऊ शकला नव्हता. आणि त्या ठिकाणी उभा असलेला क्षेत्ररक्षक अक्षय भोईर कोणत्या प्रकारे चुकी करत नाहीये. झेल टिपतोय. नवीन फलंदाज सगीर खेळपट्टीवर येतोय. यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवलं होतं. अतिशय चांगल्या प्रकारे खेळून काढलाय. ड्राईव्ह केला होता चेंडूला. एक धाव नक्कीच मिळाली या चेंडूवर. आपण पहिल्या षटकापासून पाहतोय की एकेरी दुहेरी धावांचा खेळ होतोय. कारण कोणत्या प्रकारे मोठा फटका खेळण्यास या ठिकाणी मुभा देत नाही गोलंदाज फलंदाजांना. धावसंख्या 1 पुढे सरकली. धावसंख्या 11. गोलंदाज गणेश पुन्हा एकदा फेमस आशा पाटील स्टँड टोकाकडनं वळतोय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने गेलाय. लॉंग ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक आला होता अक्षय. क्षेत्ररक्षण करतोय. त्या दरम्यान मात्र एक धाव पूर्ण झाली. धावसंख्या 12. संत शांत सुरुवात आपण पाहतोय एस बी स्पोर्ट या संघाची. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चेंडूला पुढे ठेवला होता. बॉलर बॅक ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु स्वतः गोलंदाज आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये जोपर्यंत चेंडू अडवतोय त्या दरम्यान मात्र पुन्हा एकदा एक धाव पळून काढली.
अशा प्रकारे दोन षटकाची समाप्ती झाली. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या दाफलकर स्थिर आहे, ती म्हणजे 13. आता मात्र येणाऱ्या दोन षटकामध्ये पाहूया एसबी स्पोर्ट्स संघ कमबॅक करेल का. आपल्यापर्यंत पोहोचतील माझे साथी समालोचक इफ्तिकार अन्सारी. हालांकि अब एसबी चाहेगी कि काउंटर अटैक किया जाए. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 13 रन. पहले ओवर की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन जोड़ पाई है एसबी स्पोर्ट्स. तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त रूतिक, गेंदबाजी करेंगे आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से. इसके बाद की दोनों टीमों के कैप्टन आपको यहां रिपोर्ट करना है, वरना कल दो टीमों को दो दो रनों की पेनल्टी दी गई थी जब वो टॉस बॉक्स में लेट जुड़े थे. जेडी के कैप्टन और महंती स्पोर्ट्स के कैप्टन. पहली गेंद बीमार और नो घोषित किया उसे अंपायर ने, 1+1 2. फ्री हिट का भी इशारा किया वहां पर शकील कोटी ने, बैकलिफ को ऊंचा किया था, बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया. गेंद की लाइन में रहकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई थी फ्लाई स्लिप पर. हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती नहीं की. एक रन पूरे किए थे बैट्समैन ने. 1+1 2 स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 15 पर. हालांकि 30 और 35 हो जाएंगे तो शिवास के लिए भी उतनी आसानियां नहीं होगी. रुतिक मुड़ते हुए, उनकी ये गेंद फ्री हिट गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को खेला, एक लिया, थोड़ा सा फंबल, दूसरे की कोशिश और आउट हो गए बैट्समैन. हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं द वॉइस ऑफ थाने सिद्दीक भावे सर, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है अमान ट्रॉफी 2019 में गुलाम साबिर की तरफ से और राजू भाई की तरफ से. सिद्दीक भावे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भिवंडी की बहुत ही बुलंद आवाज के मालिक, और मैं यही कहूंगा कि किसने कहा तुझसे कि अनजान बन के आया कर दिल के आईने में, मेहमान बन के आया कर, और एक तू ही तो करता है इन दिलों पर हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, सुल्तान बन के आया कर. सिद्दीक भाबे सर निश्चितच वेलकम वेलकम वेलकम. सिद्दीक भाबे सर यांचं आगमन होतं या ठिकाणी, वेलकम, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे अमन ट्रॉफी 2019 या स्पर्धेमध्ये. नए बैट्समैन आबिद सामना करेंगे इस वक्त रुतिक का. रुतिक एक बार फिर, उनकी ये गेंद आगे की तरफ रखा, पैरों पर थी, सवाल पूछा, लेकिन रनों के लिए निकल गए थे, कोई गलती नहीं की वहां पर, विकेट कीपर ने आउट हो गए बैट्समैन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट अमान ट्रॉफी 2019. आप सभी का हार्दिक स्वागत है फोकस मैन गुलाम साबिर और अमान स्पोर्ट्स की तरफ से. जो मुकाबला आज हो रहा है एसबी स्पोर्ट बनाम शिवास 11, मेरे साथ कमेंटेटर इफ्तिकार अहमद, जो कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का सारा डेटा जानते हैं, और संदेश वखारे जिन्होंने भी इमर्जिंग क्रिकेट को बहुत अच्छा कवरेज दिया है. थोड़ी देर में जब चर्चा होंगी तो हम ये पूछेंगे कि क्या आरके आज भी नंबर वन पर रैंक कर रही है. आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं, कल बहुत बड़ा अपसेट देखा गया है. एमगार्ड वॉरियर्स ने एक तरफा शिकस्त दे दी सुमेल सूसे को और आरके स्पोर्ट्स को.
गेंदबाजी कर रहे हैं ऋतिक, राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा पैरों के सामने टर्न कर दिया गेंद को ऑन साइड में, एक रन बना और एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये बताइए इफ्तिकार के अभी तक जो खेल हुआ है कल से आमन ट्रॉफी में, उसमें कौन सी टीम है जिसने सबसे सर्वाधिक टोटल बनाए? सर्वाधिक टोटल कल देखा गया था और टीम का नाम था हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड सीसीजी। खिली हुई धूप है, गेंदबाज ऋतिक, सामना करेंगे बैट्समैन फैज। फैज भी बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं। इस मरतबा विद टाइट स्विंग कर दिया ऑन साइड में, खिलाड़ी की कोशिश वहां पर सुस्ती भरी और गेंद छह रनों के लिए। कल मयूरेश वेहले ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्कोर बनाया था, जिसमें 55 की नॉट आउट पारी खेली थी अजय ने, और हैट्रिक सिक्सर भी इस स्पर्धा में उनके नाम पहला। चार रनों का इशारा था हुआ अंपायर का, चार रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 पे पहुंचा है, 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एसबी स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई ऋतिक मुड़ते हुए, सामना करेंगे फैज। फैज बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, कुल मिलाकर एक चौका उन्होंने जरा है, 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। धूप खिली हुई है और अमान ट्रॉफी कल सुपर फाइनल रहेगा। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, फील्डर डीप में मौजूद है, नहीं फील्ड कर पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन। इफ्तिकार इस तरह की फील्डिंग मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, बिल्कुल जरा भी स्टार्ट नहीं ले पाए थे, खड़े रहकर गेंद को पकड़ना चाहते थे, गेंद उनके सामने टिप्पा खाने के बाद उनके सर के ऊपर से चली गई चार रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 25 रन। तीन ओवर की समाप्ति नहीं हो पाई है, एक गेंद अभी भी बची है, 1 to go इन दिस ओवर। अमन ट्रॉफी को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको टाइप करना है अमन ट्रॉफी 2019। ट्रिपल एस पे भी हमारा टेलीकास्ट चल रहा है, अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स के गुलाम साबिर का ये बिग शो देख रहे हैं, बिग शो मैन। स्कोर है 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अगली दो टीमों को महांती स्पोर्ट्स के कैप्टन और जेडी के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जुड़ना है। अच्छा मुकाबला है, इस मरतबा फुल टॉस बल्ले पे नहीं आई है और सॉफ्ट डिसमिसल, अंपायर रमीज रईस और अंपायर शकील कोटी। तीन ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 25, विकेट गिरी है 5। फैज बहुत अच्छी बल्लेबाजी के बाद 16 पर आउट हुए, लेकिन अपने टीम के लिए बेशकीमती 16 रन बनाए। एमआरआई का बॉल अगर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे हो तो उसे कैरी करना या क्लियर करना थोड़ा भारी हो जाता है, हालांकि यहाँ के जो इतिहास रहे हैं 1984 से और 1993 से, जब बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई थी आज से 26 साल पहले, हालांकि अंपायर रमीज रईस जो स्क्वाड लीग अंपायर इस वक्त हैं वो भी इस तरह के क्रिकेट के लिए बहुत मशहूर रहे थे। यहाँ पर गेंदें उतनी आसानी से कैरी नहीं होती, शकील कोटी भी बहुत अच्छे स्ट्रेट ड्राइवर थे, इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर उन्होंने खेला है। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब एमआरआई गेंद रहे तो आप में चैलेंज होना चाहिए।
गेंदबाजी के लिए केतन, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। इस मरतबा सीधा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन बनता हुआ, एक से स्कोर आगे से रखता हुआ 26। हालांकि डीके डबल ए ट्रॉफी मैंने किया था इफ्तिका, उस वक्त ये रैंकिंग मिली थी कि आरके स्पोर्ट आज भी नंबर वन पे ही रैंक कर रही है, और बैक टू बैक आरडी 11 तीन कप के साथ आरडी भी। उसके बाद कई टीमें जिसमें चैलेंज है, बहुत बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद थी, खोद के निकाला गेंद को, छोटी बैकलिप से स्लिम डॉप पे एक रन, 27 रन। इफ्तिकार ये तो बता सकते हैं कि अब तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में लगभग कितने ट्रॉफीज हुए हैं? 13 कप हो चुके हैं, आप ये 14वां कप देख रहे हैं इस साल का सिटी इमर्जन के अंडर में। क्या बात है, बड़ा फॉर्मेट रहा इस साल। इस मरतबा स्लॉग स्वीप मैक्सवेल के अंदाज में बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 6 रन, बहुत खूबसूरत शॉट। इस तरह के स्ट्रोक बहुत कम देखने को मिलते हैं बाबे सर, हालांकि बहुत खूबसूरती से स्ट्रोक को मुकम्मल किया था और बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। टोटल स्कोर जा पहुंचा 33। सिर्फ एक टीम ऐसी है जो आरके को इस साल पीछे कर सकती है, वो आरडी 11 भी है, क्योंकि इसके बाद भी एक कप का होना बाकी है एसबी। अगर ये और एसबी जीतती है तो आरडी एक पर आ जाएगी, और आरडी 11 बी ने डीके डबल ए ट्रॉफी में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। एक बात है कि सबसे बड़ी बात है कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी प्रोफेशनल अंपायर्स जो रखे जा रहे हैं वो एक खूबसूरती है। सबसे बड़ी बात है कि भिवंडी तालुका क्रिकेट में आप जाइए, आपको ग्रामीण क्रिकेट की संगठना मिलेंगी, आपको सिटी इमर्जिंग कमेटी मिलेंगी, आपको BC4 मिलेगी। यही कारण है कि क्रिकेट बहुत साफ सुथरा हो रहा है। महंत स्पोर्ट और जेडी के बीच में मुकाबला, इस मरतबा बैकफुट पे चले गए थे, पंच किया था, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं, दूसरे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा रन होना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि चैलेंज की जो स्क्वायर बाउंड्री है वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तरह छोटी है, इसलिए अब दूसरा रन लेने में अधिकांश बार यहाँ पर जितनी भी स्पर्धाएँ हुई है उसमें हमने देखा है कि बैट्समैन आउट हो जाते हैं। सिर्फ एक मौका होता है जब खिलाड़ी से मिसफील्ड हो जाए तभी आप 2 रन पूरे कर सकते हैं, या फिर खराब थ्रो हो, वाइड थ्रो हो, तब आप 2 पूरे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी देखी गई कि स्क्वायर की बाउंड्री छोटी है। अब देखिए बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, आपके पास अगर क्लास है तो पॉइंट के खिलाड़ी के पास से आप बाउंड्री लगा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अक्सर अब बहुत जुनूनी हो गया है और बैट्समैन हमेशा हर जगह देखते हैं कि मिड विकेट या स्क्वायर लेग शॉपिंग सेंटर बना लेते हैं। नए बैट्समैन, बहुत ही मजबूत काठी के बैट्समैन, नौशाद बल्लेबाजी को आए हैं। राजू भी हमसे जुड़ते हुए, टीपू भी जुड़ते हुए, अमान स्पोर्ट्स और गुलाम साबिर बिग शो मैन का ये बिग शो आप देख रहे हैं। इस मरतबा अच्छा ड्राइव ऑन द राइज के लाए, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थोड़ा अपनी बाईं ओर गए हैं और बैट्समैन पहुंच गए क्योंकि रॉन्ग एंड थ्रो आया था, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। SB स्पोर्ट समरू बाग स्पोर्ट्स का स्कोर 36 रन हुआ है 6 विकेटों के नुकसान पे। SB स्पोर्ट्स का बिग शो देखना ना भूलिए इसी ग्राउंड पे 25 और 26 तारीख को। इस मरतबा गेंद को हवा में खेला है, सेफ लैंडिंग होती भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुत वाइड थ्रो, 2 रन पूरे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वाइड थ्रो रहेंगे तभी आप 2 पूरे कर सकते हैं, और
इतना मजबूत कट काटी होने के बाद जब आप दो रन पूरा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। चार ओवर की समाप्ति पे 38 रन बने, 39 की चुनौती रखी है। अमन स्पोर्ट्स के बिग शो गुलाम साबिर बिग शोमैन के बिग शो में सबसे बड़ी खासियत है कि 5 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड दिए जा रहे हैं और 2 इनामत हारने वाले को भी दिए जा रहे हैं। अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। मांत स्पोर्ट और क्या बात है, मांत स्पोर्ट और जेडी आफाक फारूकी को हम देखने जा रहे हैं। आफाक फारूकी का जब भी जिक्र निकलेगा, अब इंडियन ट्रॉफी जब हुई थी उसमें कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने। आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है, ऑल द बेस्ट। हसनैन और जयेश दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं। आइए मैं बिग शोमैन अमन टूर्स एंड ट्रेवल्स के प्रोप्राइटर गुलाम साबिर साहब से कहूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। गुलाम साबिर जिन्होंने ये बिग शो आप तक लाया, अमन टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिग शोमैन, गुलाम साबिर साहब के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। टेल टॉस को जीता है इस वक्त जेडी स्पोर्ट्स ने। आइए हम करेश मात्रे, करेश क्रिएशन की एक कैप दे रहे हैं टॉस विनिंग कैप्टन को, और अपना फर्नीचर, आपको अपना फर्नीचर तो अख्तर भाई की खिदमत, ये गिफ्ट हैंपर, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साबिर। हसने ने बताइए कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 14वां इवेंट है, जैसा कि कमेंटेटर इफ्तिकार ने बताया, ये क्रिकेट भी बहुत फल फूल रहा है। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं और आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। टॉस जीते हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। रीज़न बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे चेसिंग ना इजी पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में आदमी को एक माइंड सेटअप नहीं रहता है कि कितना टारगेट सामने वालों को देना है, उसी हिसाब से ना फिर टीम कभी कभी लड़खड़ा जाती है फर्स्ट बैटिंग में। ये देखिए, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे चैलेंजिंग क्रिकेट आप खेलते हैं, तो चैलेंजिंग क्रिकेट खेलने के लिए पहले ये बताइए कि कौन से गेंदबाज है जिन पर डिपेंड करते हैं कि चैलेंजिंग शुरुआत करें गेंदबाजी की? फरहान है, निकलेश है, निज़ाम है, मोनिश है, सब अच्छे ही गेंदबाज हैं। तो उम्मीद करें कि बहुत अच्छी शुरुआत आप करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। मानते स्पोर्ट आपका मुकाबला, क्योंकि मैंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट कम किया लेकिन डीके और डबल ए ट्रॉफी में तो कमाल का क्रिकेट आपने खेला था, पहले ये बताइए शो में कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा नियोजन और इसने इरफान ने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप टॉस जीतते तो क्या करते? टॉस जीतते तो फील्डिंग करते थे। यही कारण है कि ना, जैसा कहा सामने वाले ने चेसिंग, तो चेसिंग मुश्किल के लिए आप 4 ओवर में कितने रन बनाए? 30 प्लस के ऊपर बनाना चाहिए। ये बताइए कि कौन से इनिशियल बैट्समैन है जिससे अपेक्षा रख रहे हैं? तेजस, सूरज, उमेश, कल्पेश, चार पांच बैट्समैन है जो मैं मेरे हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से खेल रहा हूं। उम्मीद करें मैच अच्छा होने जा रहा है, बहुत बढ़िया हो जाए। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जेडी वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। खूब खूब धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। तर अपन सामन्याकडे वळतोय, चालू असलेला सामना आजच्या दिवसातील पहिला सामना आहे एसबी स्पोर्ट आणि शिवांस इलेवन या दोन संघादरम्यान। अपन चार षटका समाप्ति पाली, चार षटका समाप्तिनंतर धाव संख्या धाव फलका 38-38 है, 39 धावान आवान है, और 39 धावान पाठलाग करना अपन पहतो सलामी आलामी की जोड़ी अक्षय भोईर जीतू।
तर एसबी स्पोर्ट या संघाचा फ्रंट लाईन गोलंदाज फैसल, पाहूया फैसल कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल या षटकामध्ये। एकोणचाळीस धावांचा आव्हान आहे आणि या आव्हानाचा पाठलाग पाहूया कशा प्रकारे होईल। अक्षय भोईर आपण या हंगामाचा विचार केला तर भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे, या सामन्यामध्ये पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। त्यावेळेस पहिला चेंडूला पुढे ठेवलं होतं, खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण पाहिला, बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला होता, यष्टरक्षक बीट झाला होता आणि त्या दरम्यान मात्र एक धाव पलून काढली अक्षय भोईर या फलंदाजाने। या एका धावाच्या मदतीने स्वतःचं तसेच संघाचं खातं ओपन करतोय अक्षय भोईर। या संदेश वखाडे जो के संदेश वखाड़े भी मेरे ख्याल से इस सीजन में पहली मर्तबा, लेकिन पिछले साल दो मर्तबा मेरे साथ रहे थे। षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस मात्र मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉल मध्ये हवं तसं संपर्क नव्हता, मात्र एक धाव नक्कीच मिळाली। या एका धावेच्या मदतीने जितू देखील स्वतःचं खातं ओपन करतोय, संघाची धावसंख्या मात्र 2 वर पोहोचली आहे। संदेश आपको एक बात बताता चलो, इस ग्राउंड का 26 साल का मेरे पास अनुभव है, यहाँ पे आपके पास दोनों तरह का क्रिकेट चाहिए, दोनों तरह की क्षमता चाहिए, आपके पास क्लासिक क्रिकेट भी चाहिए, सिंगल डबल जो क्रिकेट की लाइफ लाइन है वो बहुत जरूरी रहती है इस ग्राउंड पे। निश्चितच अगदी बरोबर म्हटलं सिद्दीक बाबे सर, यावेळेस मात्र उजवी एस टी सोडून बाहेर टाकला होता चेंडू, पंच दाद देतात व्हाईटच्या स्वरूपात एक अवंतर धाव मिळाली, अवंतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या मात्र पुढे सरकली आहे। आणि याआधी देखील सिद्दीक बाबे सरांनी अगदी बरोबर म्हटलं, 26 तब्बल 26 वर्ष माईकवर अधिराज्य गाजवलं आहे आत्तापर्यंत सिद्दीक बाबे सरांनी। यूट्यूब पे हमारी आवाज थोड़ी धीमी जा रही है, प्रिंस मूवीज खासतौर से प्रथमेश यूट्यूब से ये कंप्लेंट है कि हमारी आवाज बहुत धीमी जा रही है। फैसल यावेळेस मात्र लवफुल टॉस चेंडू होता, चेंडूला खेळून काढलं होतं, डीप मिड विकेट सीमारेषेलगत चेंडू अडवला गेला आणि त्या दरम्यान मात्र अक्षय भोईर एक धाव पूर्ण करतोय। आपण एकेरी दुहेरी धावांचं खेळ या ठिकाणी पाहतोय दोन्ही फलंदाजांच्या बॅटमधून। So far, he ball bang on target, last one was tucked away in front of the legs. निश्चितच अतिशय अभेदक मारा आपल्याला पाहायला मिळतो या षटकामध्ये, अशाच प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित असेल संघाच्या संघनायकाला। ज्या प्रकारे फैसल गोलंदाजी करतोय, यावेळेस मात्र फुल टॉस करून घेतला, चेंडू जातोय सीमारेषेबाहेर, षटकार। अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहिला, जितू याच्या बॅटमधून 6 धावा मिळवल्या या ठिकाणी शिवांश 11 या संघाने। देखिए वैसे भी अगर हम देखते हैं तो शिवास 11 भी एक बड़ा नाम है और इस टीम ने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। सबसे खुशी की बात है कि भिवंडी तालुका हर तरह के क्रिकेट के लिए फेमस है, कमेंट्री के लिए फेमस है, अंपायरिंग के लिए फेमस है, स्पॉन्सर के लिए। अब गुलाम साबिर बिग शो मैन ने एक बिग शो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का अब तक लाए हैं अमान ट्रॉफी। फैसल वालतोई षटकातील अपुढील चेंडू, यावेळेस मात्र त्रिफलाचित फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल या ठिकाणी, एक परफेक्ट यॉर्कर चेंडू, फलंदाज बाद होतोय जितू। अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहिलं, वारंवार चेंडूला पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न आपण पाहिला गोलंदाज फैसल याच्या माध्यमातून, आणि यावेळेस मात्र फलंदाज बीट झाला होता आणि चेंडू मात्र सरळ यष्टांचा वेध घेतोय, त्रिफलाचितच्या स्वरूपात पहिला गडी बाद होतोय जितू। देखिए पहिला विकेट गिरा और कुल मिलाकर रन बने 10, हालांकि आस्किंग रन रेट जो चाहिए था उसको छू लिया है, लेकिन इस तरह का टोटल मेरे ख्याल से 4 ओवर में 50 और 45 के बीच का जो टोटल है वो एक लगभग मैजिक फिगर है। लेकिन ये अभी हम कह सकते हैं, जब मैचेस बड़े होंगे तो क्वालिटी गेंदबाजी रहेंगी, क्वालिटी बल्लेबाजी भी रहेंगी, जिस तरह का अगला मुकाबला है। निश्चितच अगदी बरोबर म्हटलं सिद्दीक बाबे सर, कारण आपण पाहतोय की 9.75 सरासरीने चालायचं आहे या ठिकाणी शिवांश 11 या संघाला, आणि त्या दरम्यान मात्र जी आवश्यक धावगती आहे ती या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे, कारण धावसंख्या धावफलकावर आपण 10 पाहतोय, मात्र एक गडी नक्कीच बाद झालाय। तर नवीन फलंदाज ऋत्विक आलाय,
या ऋतिक कशा प्रकारे फलंदाजी करतो, कारण आपण ऋतिक याचा विचार केला तर ऋतिक हा देखील एक स्फोटक फलंदाज आहे, मॅन फ्रॉम लाखिवली। षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस मात्र फुल टॉस चेंडू होता, चेंडूला हलक्या हाताने खेळून काढला होता, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र ओव्हर थ्रो होतोय आणि त्या दरम्यान मात्र एका धावेचं रूपांतर दुसरी धावेमध्ये केलं जातंय। दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या, तर पहिल्या षटकाची समाप्ती आपण पाहिली। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 12, अतिशय चांगली धावसंख्या आपण पाहतोय, कारण आपण 39 धावांचा पाठलाग करताना शिवांश 11 या संघाला पाहतोय आणि 39 धावा असताना मात्र 9.75 सरासरीने चालायचं होतं, मात्र जी आवश्यक धावगती होती त्या धावगतीहून अधिक धावा धावफलकावर आपण पाहतोय, कारण धावसंख्या तब्बल 12 झालेल्या आहेत आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं की जितू हा फलंदाज बाद झाला ज्याने एक षटकाराच्या मदतीने 7 धावांचं वैयक्तिक योगदान दिलं आपल्या संघासाठी। एकंदरीत सिद्दीक बाबे सर आपण पाहतो की एक चांगली सुरुवात, कारण 39 धावांचा राईस आलाय गोलंदाज नवीन दुसरं षटक घेऊन, षटकातील पहिला चेंडू, त्यावेळेसचा पहिला चेंडू अतिशय खराब चेंडू, जसा प्रश्न तसा उत्तर, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषे बाहेर, षटकार। एक खराब चेंडू हाताला होता आणि सिद्दीक बाबा सर समोर उभा आहे फलंदाज अक्षय भोईर आणि त्याला जर तुम्ही अशा प्रकारचा चेंडू हाताला तर निश्चितच परिणाम मात्र समोरच आहे, षटकार ठोकतो आपल्या संघासाठी। देखिए आपके पास टोटल कम है और इस तरह के जब स्ट्रोक्स आते हैं तो मानो बल्लेबाजी पे से दबाव छट जाता है। संदेश ऐसा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके पास कम टोटल होता है तो फिर आपको विकेट लेके दबाव बढ़ाना होता है। वैसे भी टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। निश्चितच एक कमी टोटल अपन धाव संख्या दाफल कर पातो आणि त्या मोबदल्यात जर अशी गोलंदाजी होत असेल तर ती संघासाठी घातक ठरू शकते। धावसंख्या धावफलकावर 18, एक चांगली धावसंख्या आपण पाहतोय, 39 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र अशा प्रकारची सुरुवात होत असेल तर ही एक चांगली बाब आहे शिवांश 11 या संघासाठी, कारण असं म्हटलं जातंय सुरुवात चांगली तर शेवट चांगला। आपण पाहतोय अमन ट्रॉफी 2019 राजू भाई आणि गुलाम सावीर यांच्या माध्यमातून हे आयोजन नियोजन या ठिकाणी झालेलं आहे। निश्चितच चांगलं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय, सिटी इमर्जन कमिटीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आहे। षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चेंडूवर प्रहार, पुन्हा एकदा चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर बैट्समैन फारूक बर्डी भी हमारे साथ है इस ग्राउंड पे, उनके भी बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं और क्या गेंदबाजी उनकी रही थी। अगर हम बात करें मेयर कप 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, हालांकि उसके बाद भी उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। पव्या षटकार यांची हॅट्रिक पाहायला मिळते का, मात्र यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता, चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय, एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, थोडस कच्चाल क्षेत्ररक्षण, परिणाम स्वरूप एका धावेचं रूपांतर दुसरी धावेमध्ये केलं गेलं। देखिए संदेश जिस जगह से हम कॉमेंट्री कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स है, इसके ऊपर के जो भी सिक्सर लगे और जिन खिलाड़ियों ने लगाए वो बहुत ही यादगार रहे। निश्चितच धावसंख्या मात्र 2 पुढे सरकली, 26 धावा धावफलकावर पाहिल्या, यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा पुल केलाय चेंडूला सक्सेसफुल, चेंडू सीमारेषे बाहेर होतोय गोल, 6 धावांसाठी षटकार। अक्षय याच्या बॅट मधून निघणारा हा तिसरा षटकार, वैयक्तिक 22 या धावसंख्येवर खेळतोय अक्षय। एक ही ओव्हर में मॅच को खत्म कर दिया है, 20 रन अब तक लिए अक्षय, ये सीधे साधे नहीं बहुत खतरनाक है। निश्चितच पुन्हा एकदा एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यावेळेस मात्र बेट केला गेला अक्षय भोईर याला, चेंडू मात्र निर्धाव गेला होता,
तर अक्षय भोईर वैयक्तिक 22-22 या धावसंख्येवर खेळतोय, त्यामध्ये आपण 3 षटकारांचा समावेश पाहिला. एकंदरीत अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र मिस टाईम फटका होता, बॅट आणि बॉल मध्ये हवं तसा संपर्क नव्हता, चेंडू क्षेत्ररक्षकापासून दूर पडला होता. एक धाव पूर्ण करतोय, तर 2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या दाखवलकर आपण पाहतोय 33, 33 धावा झालेल्या आहेत. 39 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र एक चांगली सुरुवात आणि त्यानंतर चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. आता मात्र उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि विजयासाठी फक्त आणि फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. बिलकुल, कोई चमत्कारी इस मॅच को जिता सकता है जिस तरह की इक्वेशन है. अगली 2 टीमें का जो मैच हो रहा है, जहां पे जेडी ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. निश्चितच एखादा चमत्कारच या ठिकाणी वाचू शकतो एसबी स्पोर्ट या संघाला. एखादा मॅरेकल करावा लागेल या ठिकाणी. मात्र तो चमत्कार पाहूया होतोय का. चेंडू पायावर आदळला होता, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नव्हता, चेंडू पायावर आदळून गेला होता. त्या दरम्यान मात्र एक धाव घेण्याची मुभा होती. एक लेग बायच्या स्वरूपात धाव आली. अजूनही 5 धावांची आवश्यकता आहे. नौशाद पुन्हा एकदा वळतोय षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, उज्वेष्टी सोडून बाहेर टाकला होता चेंडू. पंच दाद देतात व्हाईटच्या स्वरूपात अवंतर धाव मिळाली. बिलकुल, यहां से हम देखे तो अभी भी 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. आता मात्र आपण विजयाच्या उंबाट्यावर पाहतोय शिवान सिलेवन या संघाला. विजय मात्र या ठिकाणावरनं सुनिश्चित झालाय सिद्दीक बाबे सर, कारण ज्या प्रकारे फलंदाजी झाली शिवान सिलेवन या संघाची. यावेळेस मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क नव्हता, चेंडू पायावर आदळला होता आणि त्या दरम्यान लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आली. अजूनही 3 धावांची आवश्यकता आहे. अतिशय अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळालं फलंदाज अक्षय भोईर याच्या बॅटमधून. यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, पुन्हा एकदा चेंडू व्हाईट जातोय. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते एसबी स्पोर्ट या संघाच्या माध्यमातून, कारण ज्या प्रकारचं लक्ष होतं ते लक्षात घेता काही गोलंदाजी झालेली नाही आहे. आणि त्याच्याच जोरावर आपण पाहतोय शिवान सिलेवन विजयच्या उंबरट्यावर आहे. यावेळेस मात्र रिव्हर्सचा फटका, अतिशय उत्कृष्ट फटका, चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर, षटकार. आणि अशा प्रकारे शिवान सिलेवन हा संघ या ठिकाणी विजयी होतोय. खूप खूप अभिनंदन शिवान सिलेवन. कॉन्ग्रॅच्युलेशन शिवा सिलेवन एंड हार्ड लक एस बी स्पोर्ट. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी और अपोजिशन साइड में जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं वह हैं फैज. फैज आपको भी आना है. और मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी हैं वो हैं अक्षय, बहुत ही धमाकेदार धुआंधार बारी 29 रनों की खेली. मैं मेरे साथी कॉमेंटेटर इफ्तिखार अहमद और संदेश को थैंक्स कहूँगा जिन्होंने न केवल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट बल्कि इस कप में भी रंग भरा है. आइए अपोनियन साइड के बेस्ट परफॉर्मेंस फैज, आपको हमारे वीआईपी डेस्क पे जाना है. कॉन्सोलेशन प्राइज हम आपको देने जा रहे हैं और इस ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया है माया ट्रेडर्स शहजाद खान नवाब स्पोर्ट ने. और इसको हम दे रहे हैं दीपक, किसके हाथ से दी जाएंगी? ये कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जा रहा है अपोनियन साइट के बेस्ट परफॉर्मर खुर्शीद भाई से. रिक्वेस्ट है कि ट्रॉफी को देना है माया ट्रेडर्स शहजाद खान और नवाब स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर. गिफ्ट एम्पर अन्नू भाई स्पॉन्सर हम आपको देने जा रहे हैं सद्दाम के हाथों से.
हार्ड लक फैज, यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक। आइए अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं अक्षय। आइए हम आपको ट्रॉफी दे रहे हैं, जाकिर मिर्जा स्पॉन्सर मोतीवाला, गुलाम साबिर फोकसमैन बिग शोमैन। इमर्जिंग क्रिकेट में एक बिग शो आना है, सिटी क्रिकेट में भी बिग शो है, अमन टूर्स एंड ट्रेवल्स के ये ट्रॉफी जाकिर मिर्जा ने हमें स्पॉन्सर किए। गिफ्ट एम्पर हम आपको देने जा रहे हैं रहीम शेख उर्फ राम जाने। यस, आइए ये गिफ्ट एम्पर आपको मयूर के हाथों से हम दे रहे हैं। जीत की शुरुआत मिठाई के साथ, रेहान भाई स्पॉन्सर मिठाई का बॉक्स, कैप्टन अमन स्पोर्ट दीपक देने जा रहे हैं। फराज अमदुल्ले स्पॉन्सर माजा ठंडा ड्रिंक्स देने जा रहे हैं। विजेंदर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये और 30,000 का गिफ्ट वाउचर पंडित गायकॉट पीजी लिमिटेड केतन के हाथों से हम देने जा रहे हैं। अनेक अनेक अभिनंदन अक्षय। अक्षय, हालांकि मैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये दूसरा इवेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले ये बताइए कि इस तरह के क्रिकेट से टीमों का हौसला बढ़ता है, और मैंने देखा है कि पिछली सीजन में जो सिटी क्रिकेट में खिलाड़ी आए हैं वो उभर कर आए हैं, ये शो कैसा लगा आपको? शो तो बहुत अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ इस साल का सबसे बड़ा शो। और क्या लगता है कि इस तरह की क्रिकेट टूर्नामेंट्स और होना चाहिए? हाँ जरूर। और आज के मैन ऑफ द मैच अवार्ड को आप किसके नाम देंगे? पूरे टीम के नाम। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। आइए दोस्तों लौट चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। कमेंट्री बॉक्स में तैयार हैं वो कमेंटेटर जिन्होंने सिटी क्रिकेट में भी इस सीजन में मेरा साथ निभाया, सिटी इमर्जिंग में भी मेरे साथ हैं और तरह के फॉर्मेट में भी साथ रहेंगे, वो है मशहूर कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाबे सर। इस वक्त खेलने वाली टीमें महांती स्पोर्ट्स और जेडी स्पोर्ट्स। शिवास के कैप्टन, आपको पता है कि मैच हारो या जीतो कहां से जाना है,